नमस्कार, मैं हूं नित्यानंद पाठक और आप देख रहे हैं नोवा टाइम्स ऑनलाइन। आज हमारे साथ बेहद स्पेशल गेस्ट हैं लवलीना। इन किसी परिचय के मोहताज नहीं है। सबसे पहले तो स्वागत है आपका लवलीना। थैंक यू। और ओलंपिक में मेडल गौरव की बात है, हम सभी को गर्व है आप पर। हाँ जी, ओलंपिक में मेडल लेना मेरे लिए भी एक बहुत बड़ी है, एक स्पेशल मोमेंट है। और कोशिश करूँगी कि ऐसे ही मैं अपने देश का नाम रोशन कर पाऊँ। अब किस चीज़ की तैयारी है? ओलंपिक मेडल हो चुका है और लगातार हम देख रहे हैं कि आप बहुत अच्छा कर रही हैं। अब क्या नेक्स्ट टारगेट क्या है? नेक्स्ट टारगेट जो मेरा सपना था वो लास्ट टोक्यो में पूरा नहीं हो पाया, मुझे मेडल मिला लेकिन मैं चैंपियन नहीं बन पाई। मेरा यही कोशिश रहेगा कि आगे वाले जो टूर्नामेंट है उसमें मैं अच्छा कर पाऊँ और जो सपना है कि ओलंपिक में गोल्ड मेडल ले पाऊँ उसको पूरा कर पाऊँ। एज ए बॉक्सर आपका रोल मॉडल कौन है? बॉक्सर मेरा रोल मॉडल है, पहले तो मैं मोहम्मद अली से ही इंस्पायर्ड हुई थी। बहुत सारे बॉक्सर्स हैं, उसमें से एक मेवेदर भी है। फिल्में देखती हैं? हाँ जी। पसंदीदा जो हाल फिलहाल में देखी हो? पसंदीदा बहुत सारे मूवीज देखती हूँ लेकिन उसमें से हिंदी मूवीज में मुझे थ्री इडियट्स पसंद है, आमिर खान की। जी, दंगल स्टार है वो तो। दंगल स्टार भी है लेकिन मुझे थ्री इडियट्स मूवी ज़्यादा पसंद है। कैसा लगा तोयसा का अवार्ड सेरेमनी आपको? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे हमें रिकॉग्निशन मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है और कभी कभी मौका मिलता है तो अच्छा लगता है, बहुत अच्छा।